सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। कर्नाटक के मंडिया पहुंची सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल। बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान 8 लोगों की मौत। जलपाईगुड़ी की मल नदी का जलस्तर बढ़ने से हादसा हुआ, 20-25 लोग लापता। केरल के फलकड़ जिले में सड़क हादसा, बस दुर्घटना में 9 की मौत और 38 घायल। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर मोहन भागवत से किए कई सवाल पूछा, क्या संघ किसी महिला को साथ संघ चालक नियुक्त करेगा। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर जमकर साधा निशाना, कहा कट्टर कट्टप्पा का भी इनाम था, अब तो दोगली राजनीति करते। बुलंदशहर में मिट्टी की ढांग गिरने से टला बड़ा हादसा, मकानों के कुछ हिस्से मिट्टी की ढांग के साथ नीचे गिरे, हुआ भारी नुकसान। फिरोजाबाद में मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबते हुए युवक के को पुलिस ने बचाई जान। लखनऊ में उधारी के चलते युवक ने की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। श्रावस्ती में भारी बारिश से तराही में बाढ़ का कहर, नेपाल सहित पहाड़ों पर हुई बारिश से खतरे के निशान के ऊपर राप्ती नदी। अलीगढ़ में सीएनजी के पैसे मांगने पर कार सवार बदमाशों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की, वारदात को अंजाम दे हुए फरार। मैक्सिको के सिटी हॉल में फायरिंग, बदमाशों ने मेयर समेत 18 लोगों को गोली मारकर हत्या की, सेना तैनात। ताइवान में चीन से निपटने की तैयारी, अमेरिका वेपन्स डिपो बनाने में जुटा, मिलिट्री ड्रिल से नजर आई हर खामी दुरुस्त करेगा। केमिस्ट्री का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को, इनमें से एक महिला, दूसरे को 21 साल बाद फिर पुरस्कार, आज लिटरेचर कैटेगरी का ऐलान। यूक्रेन ने रूसी सेना को खदेड़ कर कई नए क्षेत्रों पर वापस कब्जा किया, जेलेंस्की बोले जंग जारी रहेगी। उत्तर कोरिया ने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। गंभीर के इंडिया कैपिटल्स ने जीती लीजेंड्स क्रिकेट लीग, फाइनल में बुरी तरह हारे पठान के किंग्स, रॉस टेलर ने खोली धुआंधार पारी। नंबर 1 बनने में चूके सूर्य कुमार यादव, आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग में रिजवान टॉप पर बरकरार, रोहित कोहली फिसले। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा, आईसीसी ने जारी की लिस्ट, हरमनप्रीत कौर और अक्षय पटेल हुए नॉमिनेट। शामी हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल, द्रविड़ बोले ऐसे खिलाड़ी की तलाश जिसे ऑस्ट्रेलियाई पिच का अनुभव हो। विमेंस अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम घोषित, भारत का पहला मुकाबला 11 अक्टूबर को अमेरिका से। फीफा 2022 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेंगी नोरा फतेही, इससे पहले जेनिफर लोपेज और शकीरा भी कर चुकी है डांस। एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने बॉलीवुड छोड़ने का किया ऐलान, बिग बॉस से साजिद की एंट्री पर लिया फैसला। कॉमेडियन पराग कंसारा का निधन, सुनील पॉल ने दी दुखद खबर।
अमिताभ बच्चन की नाती नव्या ने लोगों को परोसा प्रसाद, पंडाल में किया जमकर डांस, फैंस को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। आर्यन खान ने अनन्या पांडे को किया इग्नोर, फैंस ने उड़ाया मजाक, बोले गजब बेइज्जती है। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।